सबसे पहले तो एक ऐसी लड़की की कहानी है जो 20 साल 20 इयर्स की उम्र से लेके अबाउट 65 की एज में वो एज करती है, तो उसकी ज़िंदगी की कहानी है. उस जिंदगी में वो उसकी प्यार की खोज की कहानी है. वो सिर्फ प्यार को ढूंढती है और हमेशा उसे प्यार में मायूसी मिलती है, उस वजह से उसकी ज़िंदगी जैसी है हो जाती है. एंड मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था. एक तो एज करना, आई मीन माई 20s टू प्ले 30s 40s 50s 60s, वो सब भी बहुत मुश्किल था. उसके ऊपर से टू प्ले अ कैरेक्टर विच इज़ सो कॉम्प्लेक्स्ड, उसके थॉट्स क्या थे, उसकी इमोशंस क्या थे, वो क्या फील कर रही थी विद डिफरेंट मैन दैट कम इनटू हर लाइफ. एक बहुत अच्छा डायलॉग है सुजाना का फिल्म में जहाँ वो कहती है दुनिया के सारे क्या दुनिया के सारे गलत आदमी मेरी ही किस्मत में लिखे थे. सो दैट जस्ट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स हाउ शी फील्स एट द एंड ऑफ इट. तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था मेरे लिए. विशाल सर और मैंने इस पर आई मीन होमवर्क कितना भी कर लें कम होता है क्योंकि एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ना तो किसी पर आधारित है, ना किसी कहानी, ना किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से लिया गया है. सो यू कैन मेक हर एनी थिंग यू वॉन्ट टू मेक. एंड बिकॉज ये एक कहानी ऐसी है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड अपने ही वर्ल्ड में बुनी हुई है, इसका नाम नहीं ले सकते रियल है क्योंकि लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे आप देखेंगे इसकी अपनी ही एक दुनिया है. सो वी कुड हैव मेड सुजाना वॉट एवर वी वॉन्टेड टू एंड आई थिंक वो हमने किया. हम सेट पे भी जाके कितनी सारी चीज़ें इसके सुजाना के बारे में डिस्कवर करते थे जो शायद हमने रीडिंग्स या स्क्रिप्टिंग में ना देखी हो. जी जी बिल्कुल, प्रियंका के सामने उसकी तारीफ करना उसको एम्बेरेस करना होगा. मगर सर मैं नहीं एम्बेरेस होंगी. आई थिंक शी इज़ द फाइनेस्ट एक्टर इन हर कंटेम्प्रेरीज और इतना ज़्यादा मेहनत और इतना ज़्यादा इंटेलिजेंस, इतना ज़्यादा हार्डवर्क. और उसके अलावा जो मेरा प्रियंका के साथ जो एक रेपो है वो बहुत मुश्किल से कभी किसी एक्टर के साथ बनता है जो मेरा आज तक किसी के साथ नहीं बना, कि मेरे कहने की मुझे ज़रूरत नहीं होती थी जो मुझे चाहिए होता था. और बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो मुझे कहना था वो बिना कहे प्रियंका ने उस चीज़ को कर दिया. मैं कोई नहीं होती हूँ कहने के लिए कि लोगों को ये फिल्म पसंद आएगी कि नहीं, दर्शकों को ये फिल्म पसंद आएगी कि नहीं. मैंने अपनी तरफ से जितनी ऑनेस्टी के साथ इस कैरेक्टर को प्ले कर सकती थी वो किया है. मुझे बहुत ही मज़ा आया ये कैरेक्टर करके, ये फिल्म करके. बहुत ही मुश्किल फिल्म रही है मेरे लिए, लेकिन आई थिंक इसमें जो विकेडनेस है वो हमने इंडियन स्क्रीन पर देखा नहीं है. हमने ब्लैक कॉमेडी इंडियन स्क्रीन में काफ़ी वक्त से नहीं देखी. अगर आप समझ रही हैं एक थ्रिलर है या एक ड्रामा है, ऐसा कुछ नहीं है. इट्स अ ह्यूमरस फिल्म और विशाल सर एंड रस्किन सर का जो ह्यूमर है वो इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है. एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स दिस फिल्म वेरी अमेजिंग. आई होप दर्शकों को पसंद आएगी ये फिल्म, एंटरटेनिंग है. यू विल हैव अ स्माइल ऑन योर फेस when you watch the film and बाकी तो मैं कुछ कह नहीं सकती. अपनी तरह से मैंने जितनी भी कोशिश करनी थी की है. You know, I have made only films either for kids or for adults. I have never come in the category of the UA. So and I don't care when I make films. I just want to express my vision with complete honesty. I just don't care that what kind of certification I'm going to get. I don't want to bind my vision. I don't want to shorten my vision or, you know, मैं छोटा नहीं करना चाहता हूँ अपनी सोच को कभी भी. तो इसलिए I just go for my honesty कि जो उस character का या situation का या उस कहानी के जो ज़रूरत है वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए. बाकी अपनी audience film ढूंढ लेती है. This film we were always sure the kind of story that it is, that it would be probably an A certificate movie. But that has never stopped a film from being, you know, a successful film. Because ek film ki kahani, I can cite an example, my own film, Fashion. In fact, when it was releasing, all of you all asked me the same question, that do you think it'll stop people from watching the film? If you're telling a great story and people are interested in watching the film, it really doesn't matter what the certification is, because it's an interesting story being told in an interesting way.